राहुल गांधी का खेल आतिशी ने कर दिया फेल। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की वजह से फंस गई कांग्रेस। केजरीवाल के गले मिलना राहुल को पड़ा भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कहते हैं राजनीति में कब कौन किसके साथ खेल कर जाए, तस्वीर बेहद ही दिलचस्प होती है। अब नई खबर ने राजनीति में फिर से तहलका मचा दिया है। ये तस्वीर सामने आई है राहुल गांधी और केजरीवाल की। दरअसल राहुल गांधी ने जैसे ही केजरीवाल से हाथ मिलाया, वैसे ही आम आदमी पार्टी के मंत्री ने पीठ फिरते ही खेल कर दिया। ऐसा खेल राहुल गांधी सिर पकड़कर बैठने को मजबूर हो गए। दरअसल हुआ ये कि आप और कांग्रेस का गठबंधन टूटने के बाद राहुल ने पहली बार खुलकर केजरीवाल के समर्थन में बयान दिया है, ट्वीट किया है। ऐसा बयान कि कांग्रेस नेता भी हैरान हो गए। राहुल गांधी ने केजरीवाल के बर्थडे पर ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अन्याय के विरुद्ध इस युद्ध में इंडिया आपके साथ है। राहुल गांधी ने केजरीवाल के साथ खड़े रहने का जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही आतिशी ने कांग्रेसियों के कानों से धुआं आ जाए ऐसी बात बोल डाली और कहा जाने लगा कि फिर से तालमेल गड़बड़ा गया है। एक तरफ राहुल केजरीवाल के गले लग रहे हैं तो दूसरी तरफ आतिशी ने धमाका करते हुए ऐसा कह दिया कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ अकेले चुनाव के लिए तैयार हो गई है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ कहा आतिशी ने तो सुनवा दे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी भी हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की, हमारे से दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की, सुनीता केजरीवाल जी की लगातार सभाएं चल रही हैं, जहां पे भारी संख्या में जन सैलाब है और लोग आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए हरियाणा के लोगों का उनसे एक इमोशनल जुड़ाव भी है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ेगी और हरियाणा का चुनाव जीतेगी। क्या अलायंस होगा या अपने दमखम पे लड़ेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, जो अलायंस होगा कि नहीं होगा, इसका डिसीजन तो अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद ही होगा। तैयारी में पूरी सीटों पर आप लोगों की है वैसे? बिल्कुल, हम सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और लगातार सब सीटों पे डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, बूथ कमिटीज बनाने का काम चल रहा है, सब विधानसभाओं में एक बड़ी सभा भी हुई है, तो हम हरियाणा के चुनाव को पूरी तैयारी से, पूरे दमखम से लड़ेंगे। यानी आतिशी ने इशारा दे दिया कि कांग्रेस अब कितना भी गले लगने की कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब इतिहास के पन्ने पलटें तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान ही उठाना पड़ा, जबकि सोई हुई कांग्रेस जिंदा हो गई और फायदा हुआ राहुल गांधी को। वजह है कि दोनों पार्टियां एक ही एजेंडे पर काम करती हैं, चुनावी रेवड़ियां भी एक जैसी ही बांटी जाती हैं। तो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और आम आदमी पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ, जिसका सीधा सीधा फायदा किसको मिला? बीजेपी को। तो ऐसे में फिर से विधानसभा चुनावों में केजरीवाल के गले मिलने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी को आतिशी ने आईना दिखा दिया है और अकेले हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात कहकर राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। वैसे ही ये दोनों पार्टियां कितना भी एक दूसरे की दोस्ती का दिखावा कर लें, गले मिल लें, लेकिन दोस्त नहीं हो सकती। इनकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे की है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस केजरीवाल को सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मानती है। वजह है, दिल्ली से कांग्रेस की सत्ता भी केजरीवाल ने ही छीनी और पंजाब से कांग्रेस को खदेड़ने वाले भी केजरीवाल ही थे। तो ऐसे में कांग्रेस प्यार प्यार में केजरीवाल की कार्ड बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अलर्ट हो गए हैं। लेकिन एक बात साफ है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की राह को मुश्किल कर दिया है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के वोट काटने का काम करेंगी और सीधा फायदा होगा बीजेपी को। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने दोनों पार्टियों के रिश्ते सही करने की बात कही, केजरीवाल को जन्मदिन विश किया और कहा कि वो इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा है, वहीं आतिशी ने तुरंत ही बयान दे दिया कि वो अकेले हरियाणा में चुनाव लड़ेंगी, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं लेंगी। फिलहाल जिस तरीके से अब कांग्रेस और आप में युद्ध की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर जरूर बताएं।